बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के सनावत शहर में स्वच्छता के प्रति स्थानीय नगर पालिका जागरूक नजर आ रही है। इस जागरूकता के चलते सनावत क्षेत्र के कई स्थानों पर नगर पालिका द्वारा फाइबर के यूरिनल रखवाए गए थे, जो रखरखाव के अभाव में असामाजिक तत्वों का निशाना बन रहे हैं। हम आपको बता दें कि इन यूरिनलों में लगी लाइट असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई है, साथ ही कई यूरिनलों में लगे नल भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। दरअसल नगर पालिका ने यह यूरिनलों को ऐसे स्थान पर लगाए थे जहां अधिक आबादी के बावजूद सुविधा घर का अभाव था, जहां करीब 10 से अधिक फाइबर के यूरिनल लगाए थे ताकि आम जनता को इस सुविधा का लाभ मिले और शहर स्वच्छता अभियान की कसौटी पर खरा उतर सके। लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा इस सुविधा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। सनावत से प्रभु दोगाय की रिपोर्ट। नगर में जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हमने फाइबर के शौचालय क्रय करके रखे गए हैं। आम नागरिकों को सुविधा दी जा रही है, किंतु असामाजिक तत्व द्वारा उनके दरवाजे, नल, लाइट तोड़ दी जाती है। सभी आम नागरिक से निवेदन है कि उसकी सुरक्षा के लिए आप भी सहयोग करें और उसका उपयोग करें और नगर को स्वच्छ रखें। दोबारा सर जहाँ पर ये टूटे हुए हैं उनको दोबारा रिपेयर किया जाएगा? जहाँ पे टूटे उनको रिपेयर कराया जाएगा, उसकी सुरक्षा कराई जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के सनावत शहर के वार्ड क्रमांक 1 की गली नंबर 1 में नगर पालिका द्वारा सीसी रोड का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर विभाग द्वारा सड़क किनारे होने वाले अतिक्रमण को लेकर स्थानीय रहवासियों को अपना अपना अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। अधिकारियों के इस आदेश पर कुछ रहवासियों ने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लिए थे, लेकिन कुछ अतिक्रमण को नगर पालिका द्वारा जेसीबी मशीन से हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण के साथ पार्क में लगे छायादार हरे भरे पौधों को भी काट दिया गया। इतना होने के बावजूद भी सड़क निर्माण होने वाली गली के रहवासी योगेश पाल का सड़क पर 3 फीट बाहर निकला अतिक्रमण जिम्मेदारों ने नहीं हटाया। नगर पालिका के इस भेदभाव के रवैये से स्थानीय कॉलोनी के रहवासियों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। आपको बता दें कि बगीचे के पास में लगी अन्य दो गलियों में भी काफी अतिक्रमण पसरा हुआ है, जिसके कारण 15 फीट चौड़ी सड़क पर 4 फीट का ठेला निकलना भी मुश्किल है। रहवासियों का कहना है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे दोनों गलियों में आवागमन सुगम हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने नगरपालिका विभाग में एक आवेदन भी दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि गली में एक समान अतिक्रमण नहीं हटने की दशा में न्यायालय भी शरण लेंगे। सनावत से प्रभु दोगाय की रिपोर्ट। सर, वार्ड नंबर 1 के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहा है, कितने का है सर निर्माण कार्य और क्या किस तरीके से होगा वो? वार्ड नंबर 1 में सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण किया जा रहा है, उसकी लागत 24 लाख है और ठेकेदार अरुण शर्मा है। सर, दूसरा मैं ये कह रहा था कि इसका जो निर्माण करवाने से पूर्व जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसके अंदर वहाँ के रहवासियों का आरोप है कि भाई भतीजावाद किया जा रहा है। कोई पाल नाम का व्यक्ति है, उसका सड़क के रोड के ऊपर लगभग 3-3.5 फीट का मकान बाहर निकला हुआ है, उसे नहीं हटाया है। अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जा रहा है और पाल का जो मकान बताया है, इसके बाद यही आपको भेज के दिखा लेंगे। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो पार्क है, पार्क के कुछ झाड़ भी काट दिए हैं, मगर उनके पार्क के पास में जो दो गलियाँ हैं जो कि हाईवे की तरफ निकलती है, उन दोनों गलियों के अंदर अतिक्रमण इतना बड़ा है कि वहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती। वहाँ का भी अतिक्रमण है, नोटिस देंगे, बीच का जो खुटा उसको भी हटवा देंगे। ठीक, थैंक यू। दुबे जी, आपके कॉलोनी के अंदर जो ये सड़क बन रही है उसको लेकर ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो ये अतिक्रमण सही ढंग से हटाया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है? एकदम भेदभावपूर्ण रूप से हटाया गया है। जिनकी राजनीतिक पकड़ है उनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, बाकी लोगों ने अपने स्वेच्छा से हटा लिया गया है। तो क्या हुआ, किन लोगों के नहीं हटाए अतिक्रमण? ये अपने सालक राम जी पाल हैं, उनका मकान रोड पे
5-6 फीट के रोड पे है, बाहर है, उनका अतिक्रमण नहीं हटा गया है अभी। यानी कि सड़क की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सड़क सकड़ी है। हाँ, 30 फीट की रोड है और 6 फीट उनका मकान रोड पे है। ये अतिक्रमण हटाने वाली संस्था नगरपालिका ये भेदभाव क्यों कर रही है? राजनीतिक कारण है सब, राजनीतिक पकड़ के कारण उन्होंने नहीं हटाया है। कोई दुकानें भी अतिक्रमण की जद में आ रही हैं? दुकानें भी आ रही हैं। तो उनको भी नहीं हटाया? नहीं हटाया। क्या चाहते हैं आप कि आप लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया? हमने हमारी स्वेच्छा से हटाया है तो सभी का अतिक्रमण हटे और रोड चौड़ी हो और सबको सुविधा मिले। नहीं हटा तो क्या करेंगे आप? मैंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन दे दिया है, मैं कोर्ट भी जा सकता हूँ, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं।